दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि रेलवे नया नया इतिहास बनाने में लगा हुआ है, तो रेलवे ने एक और इतिहास बनाया है जिसमें रेलवे ने 1.7 मेगावाट सोलर प्लांट को लगाया है, जिससे डायरेक्ट रेलवे के ओएचई वायर को सप्लाई मिलेगी और उससे ट्रेन्स रन करेंगी और जितने भी रेलवेज के वर्क हैं वो सारे होंगे। और ये प्लांट्स हैं भोपाल बीना के नियर, और ये रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा है। ऐसा ट्वीट करके भी हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल सर ने भी कहा है, तो वो ट्वीट भी मैं आपको दिखाऊंगा और प्रूफ भी कराऊंगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, रेलवे से जुड़े ऐसे ही नए नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात है 9 अक्टूबर 2019 की। तो रेलवे ने अपनी पटरियों के किनारे खाली पड़ी जमीन को यूज में लाने के लिए उन्होंने सोचा कि यहां पे क्यों ना सोलर प्लांट को लगा दिया जाए। तो 4 फरवरी 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में रेलवे की पटरियों पर रेलवे भूमि और सौर ऊर्जा ग्रिड और सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने की घोषणा की थी, जिससे लगभग एक साल में 25 लाख यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा और रेलवे इसके लिए हर साल लगभग 1.37 करोड़ रुपए बचाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की ये 15 दिनों के अंदर स्टार्ट होने वाला है, इसके ऊपर कम्प्लीटली काम हो चुका है। और रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार है जिसमें रेलवे ने भेल कंपनी के साथ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल के साथ सहयोग करके ऐसा काम किया है, जिसमें सोलर प्लांट 25,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, जिसको ट्रांसफार्मर के माध्यम से तो रेलवे ट्रैक पे जो एचयू वायर लगा होता है उसके साथ डायरेक्ट जोड़ा जाएगा और हमारी जो ट्रेन है डायरेक्ट सोलर सेल से रन करेंगी। मतलब कि उसके बीच में थोड़ा सा टेक्निकली प्रोसेस होता है, लेकिन मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी तक क्या होता था कि हमारे रेलवेज को पावर प्लांट से सप्लाई मिलती थी, जो कि हमें मिलती थी 5.50 रुपए प्रति यूनिट की दर के हिसाब से। लेकिन इस तरह के नए नए प्लांट से रेलवे काफ़ी कॉस्ट को बचाएगा। तो 1.7 मेगावाट सोलर प्लांट से 24.82 लाख यूनिट बिजली पैदा करेगा, जिससे इतने यूनिट्स की बचत होगी और रेलवे को कुछ प्रॉफिट होगा। और वहीं पर पीयूष गोयल सर ट्वीट करके लिखते हैं कि इस पावर प्लांट को डायरेक्टली इस 1.7 मेगावाट पावर प्लांट को डायरेक्टली ओएचई वायर से जोड़ा जाएगा, इसे ट्रेन रन करेंगी और बाकी के सारे काम भी होंगे। और इस पोस्ट के साथ साथ उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट, तो आप भी देखिए उन्होंने वीडियो में क्या कहा। इट्स अ सोलर पावर प्लांट नियर बीना, इट हैज बीन कंप्लीटेड एंड इट्स अ यूनिक सोलर पावर प्लांट। And it's unique because the first time in the history of the world, anywhere in the world. और इसकी टेस्टिंग चल रही है और टेस्टिंग के 15 दिन कंप्लीट होने के बाद ये प्लांट सक्सेसफुली वर्किंग में आ जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लेकर के कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड कराते रहते हैं। धन्यवाद।